सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जुमे की नमाज के बाद हजरत उस्मान की तलवार थाम कर खड़े होंगे हम। जो कुछ भी उसने कहा है और जो कुछ भी अपने खानदान के बारे में बताया है वो सच है। हमें वो तलवार जुमे की नमाज के बाद अपने हाथों में चाहिए। मुराद अफंदी, मुराद हमेशा मेरे साथ होते हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप मेरी फिक्र ना कीजिए शहजादे। हम जरूर कर्ज अदा कर देंगे, वो भी इदारे के हिस्से फरोख्त किए बगैर। अब तो अब्दुल हमीद की खिलाफत पर रिसालों में भी सवाल उठने लगे हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमें आजादी नहीं है। फिरोजे, बाजी का कमालुद्दीन को लिखा गया खत मिल गया है उसे। अब्दुल हमीद खुतबे में खाली हाथ होना चाहिए मार्को। अगर आपने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो आप यकीन कीजिए हमारी बात का, हम आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे, ये मत भूलिएगा। मुझे तो तलवार, क्या कर रही हो, मरना चाहती हो क्या? ठीक है, ये मसला है। मौसल स्टेट कमेटी ने हमें तेल के जखायर और उनकी खसूसियात के हवाले से दस्तावेजात भेजी हैं। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपको तफसीली रिपोर्ट भेज देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने तेल के नमूने मंगवा लिए हैं? फिक्र मत कीजिए महमूद अफंदी, आप जानते ही होंगे कि इस शोबे में मेरी महारत आपसे ज्यादा है। वो ये नमूने पहले काफले के साथ हलब के रास्ते इस्तांबुल भेजेंगे। ये तो जाहिर है कि इस बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं सलीम पाशा, लेकिन अपनी हुदूद पहचानने में आपको अब भी काफी मुश्किलात का सामना है। आपसे पहले ये दस्तावेज हमारे शहजादे के ज़ेर मुताला होनी चाहिए थी। महमूद पाशा, सलीम पाशा हमें पहले ही इसकी नकल भेज चुके हैं। भेज चुके हैं? आ जाइए। दरअसल माहौल को खुशगवार बनाने के लिए हमने शीरीनी का एहतमाम किया है। अच्छा सोचा तुमने बेटा, बहुत अच्छा सोचा। वैसे भी मेरी तबीयत में कुछ कड़वाहट घुल गई थी। बहुत अच्छा किया बेटा। मैं नहीं खाऊंगा, मैंने कुछ देर पहले ही खाया है। सलीम पाशा मीठा जरा कम खाते हैं, अपनी सेहत का काफी ख्याल रखते हैं। और ये नजर भी आता है सफातीन पाशा, आप 45 साल के बिल्कुल नहीं लगते। शुक्रिया। आप 45 के हैं? वल्लाही बिल्लाही मैं तो समझा कि आप 55 के होंगे। असल में आपकी बीवी नहीं है ना जो आपके लिए लजीज खाने पकाए, मैं सजा कर आपका इंतजार करे, इसलिए शायद उम्र ज्यादा लगने लगी है आपकी। बहुत
शुक्र है कि सनेहा है मेरे पास। वो कहते हैं ना कि जिंदगी खाने के लिए है। लजीज और मजेदार ढेरों पकवान, ये बड़ी बड़ी शानदार ज़ियाफ़तें किसी वजह से हैं। यकीनन जाया करने के लिए नहीं है ना। शुक्र करें अल्लाह का बस और जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाएं, पेट भर के सब कुछ खाएं। कसरत से खाना गाफिल कर देता है, जंगली घोड़े को काबू करना मुश्किल होता है, बेजा खाना इंसान की अना को ताकतवर बनाता है। इसका इस बात से क्या ताल्लुक? अगर ये इजलास कुछ देर और जारी रहा तो तुम मुझे कैसे संभालोगे सबाद्दीन? इसका चेहरा तो देखो नमरूद जैसा है बिल्कुल। बाबा ठीक है, वल्लाही मेरी तो भूख ही मर गई। आ जाओ। तलवार हाजिर है। अब्दुल हमीद, तलवार तुम्हारे हाथों में नहीं, सीने में उतारी जाएगी। अब्दुल हमीद, ये तलवार ढूंढने के लिए पूरा शहर हिला देगा। मगर हमारे मुकद्दस मकामात को छू नहीं सकता वो। इस तलवार को किसी मुकद्दस मकाम पर पेशवाओं के अहाते में छुपाना होगा। ये तलवार जुमे की नमाज में अब्दुल हमीद के हाथों में नहीं, बल्कि इतवार की इबादत में हमारे पेशवा के पास होगी। एक नाकाम सुल्तान जो ये तलवार नहीं रख सका, लोग बावाजे बुलंद कहेंगे तलवार हमारे पादरी के पास है। अब्दुल हमीद की तजलील यकीनी है। हर्सल को कहो कि वो एक तहरीर लिखे और उसे तमाम कदामत पसंद इलाकों में फैला दे। उसके बाद इंतकाम के रास्ते खोल देगी ये तलवार। हम उसे इसी तलवार से मारेंगे जिस पे वो बहुत यकीन रखता है। तलवार कहाँ है? उसकी हिफाजत नहीं कर सके हम। ये क्या कह रहे हो मुराद अफंदी? उसे कैसे खो सकते हो तुम? आसन को यरगमाल बना लिया था, उनको बचाने के लिए हमें तलवार देनी पड़ी। मुराद अफंदी, रियासती उमूर तुम्हारे लिए मजाक है क्या? हमने तुम्हें चाबी दी, अपने राज में शरीक किया, कहा था कि यह जान से ज्यादा कीमती है। अचानक हुआ सब, आसन की जान खतरे में थी। अगर यह सिर्फ हमारे अपनों के लिए होता तो हम खेती बाड़ी करते, जिंदगी गुजारने के लिए जरिए माश तलाश करते, अपनी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ उठाने से गुरेज करते। जानते हो इस रियासत के लिए कितनी जानें कुर्बान हुई हैं? कितने सिपाही अपने प्यारों से बिछड़ गए, कितनी माओं ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, कितने सुल्तानों ने अपने बहन भाई खोए हैं इस रियासत के लिए। सुल्तान मोहसिन, क्या हम उन्हें आसन को मारने देते? तुम हमारी बात नहीं समझ रहे मुराद अफंदी। इस सवाल का जवाब दो हमें। आसन क्या कर रही थी वहां? तुम अपनी कमजोरी साथ लिए फिर रहे थे, इसीलिए नाकाम हो गए तुम और बहाने बना रहे हो। जिनके पास बहाने होते हैं उनका मुस्तकबिल नहीं होता मुराद अफंदी। वो तलवार जुमे की नमाज से पहले तुम्हें लेकर आनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें जिल्लत उठानी पड़ेगी। अगर तलवार लेकर नहीं आए तो हम रुस्वा हो जाएंगे। अगर तलवार नहीं लाए, अगर तलवार नहीं लाए मुराद अफंदी, जाओ।
सुल्तान मौसम, यह ऐलान हो चुका है कि जुमे की नमाज में आप तलवार के साथ खड़े होंगे। बसीरत कहां है पाशा? गैरत कहां है? हिम्मत कहां है? मेरे सुल्तान, मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं, लेकिन तलवार न मिली तो तबाही हो जाएगी। मैंने एक दरवेश से कुछ सुना था, आप जाएंगे तो वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, वो अपने दरवाजे पर आने वालों को मायूस नहीं करते, वो आपको गिरने नहीं देंगे। अपने रास्ते में हमें मायूस नहीं करेंगे, गिरने नहीं देंगे वो हमें। तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाशा, घोड़ा तैयार करवाएं। गुलनास को जाने का कहना अच्छी हरकत नहीं थी। वासफिया फंदी रंजीदा होंगे। चुप हो जाएं। ये हमारा मसला नहीं है कि वो रंजीदा है। पुप्पी जान कहाँ है? क्यों इतना वक्त लग रहा है उन्हें? फिरोजे ने उस खत के बदले यकीनन कुछ न कुछ मांगा होगा। आपको ऐसा लगता है? ठीक है, जो भी वो मांगेगी हम उस खत के बदले उसे दे देंगे। पुप्पी जान, क्या उसने वो खत दिया आपको? देने से इनकार कर दिया। क्यों? वो उसका क्या करेगी? वो कह रही है कि उस खत को वक्त पढ़ने पर इस्तेमाल करेंगे। या मेरे रब, सब कुछ खत्म हो चुका। फिक्र मत कीजिए, हमने उन्हें समझा दिया है कि अगर उन्होंने वो खत इस्तेमाल किया तो उनकी असलियत सबके सामने ले आएंगे। वो ऐसी जसारत कभी नहीं करेंगे। कौन है वो लड़की? उसके बारे में क्या जानते हैं आप? वो एक ऐसी लड़की है जिसके दिल में सालों से इंतकाम की आग जल रही है। हम एक मुजरिम की तरह फांसी पर चढ़ने के मुंतजिर हैं। जल्द या बदेर वो खत सबके सामने आ जाएगा। हमारा वक्त खत्म। बहुत बेहतरीन मजमून लिखा है हर्षल। वैसे यूनिवर्सिटी के दौर से बहुत बेहतरी आ गई है तुम में। मैं यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छा था कारसु। हमें असल मसले पर आना चाहिए अब। मसला बहुत सादा सा है सबाद्दीन। मालूम है तुम्हें, तालिब इल्मों की अक्सरियत तुम्हें पसंद करती है। बस इतना काफी नहीं है, इस बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ सकते हम। जनाब कारसु, एक नई तुलबा तंजीम की जरूरत है। बिल्कुल, कारसु ठीक कह रहा है। हमें यूनिवर्सिटी के बाद भी तुलबा के साथ रहना चाहिए। और तुम सबाद्दीन, इन एहतियात पसंद तुलबा को इस तंजीम में शामिल करवाओगे। काम क्या होगा इस तंजीम का? असातिज़ा का तालिब इल्मों के अंदर भरा हुआ जहर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे हम और आप इस तंजीम के जरिए। तंजीम का कोई नाम सोचो। कहां चल दिए? मिर्शाद, आप यहां? हाँ, सलीम पाशा की बेटी। ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं? इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। आपके दफ्तर से पता चला कि आप यहाँ मौजूद हैं। मैं अपनी तहरीर से मुतालिक आपकी राय जानना चाहती थी, इसीलिए इंतजार नहीं कर सकी। पढ़ी थी आपने वो? बिल्कुल पढ़ी थी। हाँ, तो कैसी थी बताएं मुझे? बुरी थी? रहने दे, फिर मत बताएं मुझे, डर लग रहा है। खैर चले फिर भी बता दें। सच बताइएगा, उदास नहीं होंगी मैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है, बताइए। यूं समझ लें कि मेरी तवक्को से बढ़ के थी। सच कह रहे हैं आप? अगर आप चाहें तो हम दफ्तर में मिलकर इस बारे में बात कर सकते हैं। आपके लिए एक पेशकश भी है मेरे पास, अभी इजाजत दीजिए। कैसी पेशकश? दफ्तर में बात करते हैं अभी, जल्दी। चले ठीक है।
क्या पेशकश हो सकती है? हर्जल, पार्वो साहब ने तुम्हें इस लड़की से दोस्ती करने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें जरा फासला रखना चाहिए। ये लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं। एक दिन आजाद रियासत पे बात करोगे और अगले दिन लिबास के रंग पे बहस करने लगोगे, मोहतात रहना, समझ गए? मशवरे के लिए शुक्रिया, मजमून ने काम कर दिया। हाँ, तुम्हें एक और मजमून लिखना है, अब्दुल हमीद के पास तलवार की गैर मौजूदगी के हवाले से। खलीफा उस्मान की तलवार उस इंतकाम के दरवाजे पे दस्तक होगी जिसके इंतजार में थे तुम अब तक। तलवार तुम्हारे पास है? हाँ। हमें बहुत भूख लग रही है, बाबा कहाँ है? थोड़ा सब्र कीजिए शहजादी, बाबा कुछ देर में आते ही होंगे। हमें भी फिक्र हो रही है, वो बगैर बताए कभी भी इतनी देर से नहीं आते। यकीनन सुल्तान मौसम कुछ आम मामलात में मसरूफ होंगे। सुल्ताना, सुल्तान मौसम महल में नहीं है, वो बाहर तशरीफ ले गए हैं। क्या वाकई? तो ठीक है, फिर हम सब खाना खा लेते हैं। हमने बाबा के लिए खुद से फदूला बनाया था। वो हम खा लेंगे शहजादी, और थोड़ा सुल्तान के लिए भी रख देंगे, वो जब आएंगे खा लेंगे। ठीक है? ठीक है, चले सब बैठिए, शुरू करते हैं। अल्लाह, तो क्या वो ख्वाब था? वो कुटिया कहाँ है? क्या तू हमसे गर्दन झुकाने का कह रहा है? ये गर्दन तेरे ही आगे झुकी है, हम तेरे ही बंदे हैं, तुझसे ही हमारा वजूद है, हमें तेरे ही हुजूर पेश होना है, हमें बेबस मत छोड़ना या अल्लाह, हमें जिल्लत से बचा लेना परवरदिगार। सुल्तान, खलीफा की मुकद्दस अमानतों की हिफाजत में नाकाम हो गए। खलीफा हजरत उस्मान की तलवार उस इंतकाम के दरवाजे पर दस्तक होगी जिसके तुम मुंतजिर थे। अगर ये सच है तो इसके नताइज भुगतने होंगे, या तो जुमे की नमाज में तलवार के साथ खड़े हों या फिर अपना तख्त छोड़ दें। मार्को, हमारा बोया हुआ नफरत का बीज तेजी से बढ़ रहा है। ये तो खुशी की बात है। अब आप जा सकती हैं। वालिदा, क्या इंतजाम किया है ज़ियाफ़त का? आपके बाबा के माजी की तलखियों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो पहले ही वो वक्त भुला चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको आइंदा इस तरह का एहतमाम करने की कतई जरूरत नहीं है। महमूद, बाबा ये आप कह रहे हैं? वो शख्स जो जीता ही खाने के लिए है। आज के बाद मैंने सोचा है कि मैं अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखूंगा। कैसा ख्याल महमूद, आपको क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, इसके बरक्स ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा जवान और ज्यादा खूबसूरत लगने के लिए परहेज़ी खाना खाया करूंगा। अल्लाह अल्लाह, इस किस्म के ख्यालात कहाँ से आने लगे हैं आपके जहन में? हाँ, सलीम पाशा ने आज अच्छी सेहत के लिए परहेजी खाने के बारे में बताया था, बाबा उसी से मुतासिर हो गए। इस बात का उससे क्या ताल्लुक है सबातीन? जानते नहीं किसी लिहाज से भी मेरा हमरुतबा नहीं है वो, बल्कि वो हासिद है, वो जलता है मुझसे। तुम फजूल बातें करते हो। यानी इतने लजीज खुश जायका पकवानों से सजी मेज से कुछ नहीं खाएंगे आप?
अफसोस नहीं खाऊंगा सनिहा मैं इसमें से कुछ भी नहीं खाऊंगा। यानी मसाला गोश्त भी नहीं? मसाला गोश्त? मसाला गोश्त तो परहेजी खाना तो हम कल से भी खा सकते हैं, जिंदगी का लुत्फ उठाएं। मसाला गोश्त अब सही है। मैं भी खाने में आपका साथ देता, लेकिन मुझे लिबास तब्दील करके कहीं जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं वो भी इस वक्त? मुझे अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलना है। ये कौन से दोस्त हैं और कहाँ से जानते हैं आप उन्हें? वालिदा शायद अभी भी आप मुझे बच्चा समझती हैं। बाबा इनको समझाएं कि अब हम बड़े हो चुके हैं, अपने दोस्त खुद बनाते हैं। खुदा हाफिज। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे हमें भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़े, सुन रहे हैं ना? सुन लिया वालिदा, सुन लिया। ख्याल रखिए। कहाँ है, कहाँ हो सकती है? मुझे वो कागज दिखाओ जरा। हमने याद कर लिया है, वैसे ही बता सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें जरूर कुछ होगा यूसुफ, शायद कोई इशारा या कोई पैगाम हो। खलीफा उस्मान की तलवार उस इंतकाम के दरवाजे पे दस्तक होगी जिसके तुम मुंतजर थे। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कागज इन्होंने अपने मोहल्ले में ही बांटे। मैं एक पादरी को जानता हूँ जो रियासत का वफादार है, शायद वो हमारी मदद कर सके। क्यों ना पहले हम उनसे मिल लें। हाँ चलो ठीक है। कमालुद्दीन पाशा के सामने मेरे खिलाफ साजिश की, उन्हें सब कुछ बता दिया तुमने। बिल्कुल सच है ये, हम अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकते चाहे गर्दनी क्यों ना कट जाए हमारी। लेकिन तुम्हें क्या फायदा हुआ, देख लिया आज भी मैं महल में हूँ। अपना काम बखूबी जानते हैं कमालुद्दीन पाशा, मैंने अपना फर्ज निभाया है। झूठ ज्यादा अरसा नहीं चलता, एक न एक दिन तुम्हारी सच्चाई सामने जरूर आएगी। क्या है मेरी सच्चाई, क्या है बताओ मुझे। फिरोजे, इस वक्त यहाँ होंगे? वो हमेशा यहीं होते हैं, रात भी गिरजाघर में ही गुजारते हैं। क्या हाल है यूसुफ? तकलीफ के लिए माजर चाहता हूं मैं, इसे देखिए जरा, कुछ जानते हैं इसके बारे में? जी हाँ, ये देखा है मैंने, ये खासकर उन इलाकों में फैलाया गया है जहां शिद्दत पसंद ईसाई रहते हैं। इसके पीछे क्या साजिश हम नहीं जानते, लेकिन हमारी बिरादरी रियासत और सुल्तान से वफादारी के लिए जानी जाती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। बहुत शुक्रिया, चलता हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। पाया है तख्त में कितनी बिरादरियां और गिरजाघर हैं? बहुत है, बहुत। आखिर क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं शहजादे। ये आपको दोबारा परेशान तो नहीं कर रहे? शहजादे मैंने पहले भी इनको कभी तंग नहीं किया। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं शहजादे। आप इन्हें डराकर इनकी जबान बंद करवाना चाहते हैं? शहजादे मैं सिपाहियों। शहजादे इस शख्स को फौरन महल से बाहर निकालो। शहजादे ये लड़की गद्दार है, मक्कारी कर रही है। कमालुद्दीन पाशा हकीकत से वाकिफ है, आप उनसे खुद पूछ लीजिए। शहजादे मेरी कोई गलती नहीं है, इसने मुझे धमकी दी है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये लड़की झूठी है, यकीन करें ये झूठ बोल रही है। ये अब आपको कभी तंग नहीं करेगा। आपका बहुत शुक्रिया शहजादे, इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, ख्वाबज़दा हो गई थी मैं। तो जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के लिए ढाल हैं। आप निहायत ज़हीन शख्स हैं, हमारे लिए मशाले राह हैं आप। ऐसी बातें ना करें, ये आप ही हैं जो इस रियासत को हम पर आने वाली स्याह खौफनाक आमरियत से बचाएंगे।
हमें खुद को उन लोगों से बचाना है जो हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये सब कुछ कैसे होगा? हम कोई भी अमली कदम नहीं उठाते, सिर्फ बातें करते हैं। और आप लोगों को ये बहस करके अपने दोस्तों और असातिज़ा को बताना होगा और एहसास दिलाना होगा कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। हमें अब मैदान में आना होगा। सही कहा आपने, यकीनन। सबसे पहले तंजीम बनानी होगी। हम लोग साथ आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और इस जाबिराना निजाम को शिकस्त देंगे। अब क्या करना है मुराद अफंदी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं उस्मान, कुछ नहीं मालूम। मैं तुम लोगों को यहाँ बहुत उम्मीद से लेकर आया था भाइयों, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। कोई मसला नहीं यूसुफ, आगे की सोचते हैं। आ जाएं। आप रात भर सोई नहीं मलिका? हमें आपकी फिक्र ने रात भर जगाए रखा। कितना अरसा हो गया है, आप मुस्कुराए तक नहीं हैं। आप बगैर बताए कहीं चले गए थे, अक्सर ऐसा नहीं करते। कहाँ गए थे? नामालूम की तलाश में। कुछ समझे नहीं हम। ये रात बहुत कठिन है हमारे लिए मलिका, हम एक कड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। कोई शक नहीं इसमें। हमारे लिए दुआ कीजिए मलिका, दुआ करें कि इस आजमाइश में भी सुरखुरू हो जाएं हम। इंशाल्लाह, दिल और रूह की गहराइयों से आपके लिए दुआगो हैं हम। क्या सूरत हाल है पाशा? मुराद की जानिब से कोई इत्तला नहीं आई मेरे सुल्तान। जुमे की नमाज के लिए कौन कौन आ रहा है? सुल्तान मौसम, सिफारतकार, उलमा, अदीब, जब से तलवार के बारे में सुना है, मुहाजरीन, सहाफी हजरात सभी तशरीफ ला रहे हैं। रियासत की इज्जत दांव पर लगी हुई है। आपने क्या सोचा है सुल्तान मौसम? पाशा, अगर तलवार नहीं मिली तो हमारे भाई रिशत अफंदी को महल आने की दावत दीजिएगा। वो क्यों? अगर तलवार हमारे हाथों में नहीं हुई तो हमारा सुल्तान रहना बेमायनी हो जाएगा। मेरे सुल्तान, क्या आप ये तक छोड़ देंगे? चल चल कर मेरी टांगे थक चुके हैं। कहां छुपाई उन्होंने वो तलवार, कहां? तुम लोग जा सकते हो। तुम नहीं आओगे? सुल्तान मौजम का सामना करने की हिम्मत नहीं है। तुम लोग जा सकते हो अब। जाओ मुराद, उठ जाओ। आसन, अब महल से बाहर क्यों आई है? मालूम हो गया,
हमें तलवार का पता मिल गया। कैसे? जल्दी बताइए मुझे आसन। यहाँ देखें, इस तहरीर के बिल्कुल आखिर में लिखा है, खलीफा उस्मान की तलवार उस दरवाजे पर दस्तक होगी जिसके आप मुंतजर थे। यही वो इंतकाम का दरवाजा है जो खुलेगा मुराद। इंतकाम का दरवाजा क्या है, क्या कह रही है? मौर्या फसादात का आगाज पेशवा ग्रिगोरियस ने किया था। जब रूसी हुक्मरान के पास गद्दारी वाला मक्तूब बरामद हुआ तो उसको वहीं पे फांसी दे दी गई थी मुराद। और तब से लेकर आज तक इसे इंतकाम का दरवाजा कहते हैं। उसको कभी नहीं खोला गया। इंतकाम के दिन की आमद। मतलब शमशीर को उस दरवाजे पर पेश करेंगे। उनका पेशवा फतह के नारे के साथ साथ रसूमात की अदायगी के लिए इंतकाम का दरवाजा खोल देगा। वो अपने गद्दार पेशवा का इंतकाम लेंगे हमसे। हम ये नहीं होने देंगे कभी भी। रुके, मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं आसन, इस बार बिल्कुल नहीं। ये आजमाइश है मेरी। मैं आपको अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता। आप महल वापस जाएं। हजरत उस्मान की शमशीर खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद खान के दस्ते मुबारक में है। इस हफ्ते जुमे की नमाज में सुल्तान अब्दुल हमीद खान रस्ते से भटक जाने वालों को साफ और वाजह जवाब देंगे। जनाब हर्जल, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? ये मजमून महमूद पाशा, बड़े वादे के साथ खत्म किया गया है। तलवार हाथ में पकड़ने पर इस तरह हंसने वाला कौन सा पहलू है? तलवार अब्दुल हमीद के पास नहीं, फिनर गिरजा घर में है। यूरोप तकनीकी मैदान में तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारी साबित कदमी और आप लोगों की सलाहियतें अल्लाह की इनायत से हमें जल्द उस तकनीकी मयार तक पहुंचा देंगी। हम आजादी से एक कदम नहीं उठा सकते। जब मुल्क में आजादी नहीं है तो हम तकनीकी महारत हासिल करके क्या करेंगे? हमारा अव्वलीन मकसद आजादी का हुसूल है। आपने अपनी राय दे दी और मुझे आपको खामोश करवाता हुआ कोई नजर नहीं आया। आपके ख्याल में आजादी क्या है? आप बताइए, हम में से किसी ने भी आजादी नहीं देखी। आपने यूरोप के आजाद माहौल में तालीम हासिल की है। अगर ये बातें आपने यूरोप में की होती तो आप पर उस्ताद से बहस करने की वजह से क्लास में दाखिले पर पाबंदी लग जाती। इसे कहते हैं आप आजादी। क्या आपको ऐसी आजादी चाहिए? जुम्मा मुबारक हो सबको। आपको भी जुम्मा मुबारक शहजादे। जुम्मा मुबारक। कमालुद्दीन पाशा। जी शहजादे। शायद अभी आपके इल्म में ये बात ना हो, हमने उस सिपाही को महल से निकाल दिया जिसे आपने आजाद किया था। क्या कसूर था उसका? आपका सिपाही फिरोजे को मुस्तकिल परेशान कर रहा था। शहजादे, असल मसला बिल्कुल बरक्स है। उस लड़की ने खुद यह बयान दिया था कि हमारा सिपाही लुत्फू वो शख्स नहीं है जिससे उसको शिकायत है। अगर आप मसला ठीक से देखते तो समझ जाते कि सिपाही एक मासूम लड़की को खौफजदा कर रहा है। उस सिपाही की धमकियों से फिरोजे ने अपना बयान बदला। मेरे इल्म में नहीं था शहजादे। काश आपने इस मामले पर ज्यादा तवज्जो दी होती। सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतेहयाब रहें। जुमा मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, आपको दिया हुआ वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। हमारे हुक्मरान मुंतकली की कार्रवाई के मुंतजिर हैं। अगर आप इंतजाम नहीं कर सकते तो हमें एक लम्हा भी जाया करने की जरूरत नहीं।
बाजी बस करे, कुछ देर के लिए रुक जाए, चक्कर आने लगे हैं हमें। हम नहीं रुक सकते फहीमे, इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना बहुत मुश्किल है। हर हाल में फिरोजे से बात करनी होगी। आपका उनसे बात करना मुनासिब नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर हम क्या करें? हमसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होता उसका आते जाते हमें माने खेज नजरों से देखना इतनी बेबाक अंदाज। कोई फायदा नहीं उनसे बात करके। आपको क्या लगता है उनसे बात करके मसला हल हो जाएगा? बाजी एक बहुत ही चालाक लड़की है, वो याद है ना, फूफी जान तक को खत नहीं दिया उन्होंने। कुछ तो करना होगा हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फिरोजे से वो खत हर हाल में वापस चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मिल गई। तारीख रकम होते देख रहे हो तुम, आज अब्दुल हमीद जिल्लत से नहीं बच सकेगा। मुराद अफंदी, वो नहीं आया मेरे सुल्तान। हम जीत रहे हैं, जब ये लोग अब्दुल हमीद के हाथों में तलवार नहीं देखेंगे तो हमारे आदमी चिल्लाना शुरू कर देंगे, और जब हमारे पेशवा हमारी रसूमात में वो तलवार निकालेंगे तो वो मंजर देखने वाला होगा। मैं अपने रास्ते पर हूं अम्मी, फिक्र मत करें आप, आपका बदला जल्द पूरा हो जाएगा। जल्द महल की मलिका बन जाऊंगी मैं। यहां पे क्या कर रहे हो तुम? मैंने अपनी रियासत की जिम्मेदारी और अपनी इज्जत
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से गवाही है। खबरदार किया था तुम्हें, याद है ना? अब तुम्हें क्या चाहिए, रकम? नहीं, तुम्हारी जिंदगी। मेरी जिंदगी खत्म करके तुम भी नहीं बच पाओगी। रुक जाइए बाजी, हमें जाने दीजिए। फहीमे, फिरोजे को बाग में जाते हुए देखा है। आपको मालूम है जब तक हम उससे बात नहीं कर लेंगे हम चैन से नहीं सो पाएंगे। अगर कुछ गलत हो गया तो? वो कहा था उन्होंने। खामोश हो जाए फहीमे, कुछ नहीं होगा। फिरोजे को समझाएंगे हम, आप फिक्र मत कीजिए फहीमे। मदद करें। यहां क्या कर रहे हो मार्को? तुम्हें तो तलवार के साथ होना चाहिए था। माफ कर दे मुझे। जहन्नम में जाओ मार्को। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी अमानत सुल्ताने मौसम। मुरादाफंदी, आप ठीक हैं? उठिए। ठीक है ना आप? ठीक हूं मैं, मगर तुम लोगों को किसने बताया? आसन ने बताया हमें। यूसुफ, चलिए उठिए। हमने इस जगह को ढूंढा और दुश्मन को नाकाम कर दिया। मुझे किसने मारा? तलवार, तलवार कहाँ है?
सुल्तान मुअज्जम, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होना चाहता हूं। अपनी कमजोरी की वजह से आपको मुश्किल में नहीं डाल सकता। आज हमारे हाथ में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अनु की तलवार है। हैरत तो होगी तुम्हें, क्योंकि तुम हमारे माली हालात का अंदाजा करने में गलती कर बैठे। सच तो यह है कि अहमक हो तुम सब। हमारा ख्याल है कि उस सिपाही के फिरोजे पे हमले की वजह सिर्फ उस लड़की का इनकार नहीं है, यकीनन इसके पीछे कोई और वजह छुपी है। तुम्हें ये मालूम करना है कि तलवार छीनने वाले कौन थे, फिर अगर चाहो तो बागबान बन सकते हो तुम। क्या वो ऐसा कर सकता है? ये गलती हमारी है। अगर हम ये काम उस्मानी इदारों के जरिए ही मुकम्मल कर सकते हैं तो ग्रेफन साहब के इदारे की हमें जरूरत ही क्या है।